बाहुबली फिल्म सेकेंड सीरीज आई है, बहुत बड़ी ऑल ओवर वर्ल्ड हिट हो गई है, तो आप लोगों ने देखी और क्या राय है इस तरह की फिल्म? जो मतलब उसमें माइथोलॉजिकल फील है फिल्म में, एग्जैक्टली माइथोलॉजी नहीं है, ऑफ कोर्स. लेकिन क्या राय है आप लोगों ने फिल्म देखी? आई मीन मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी. आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. और जिस तरह से हमारे बॉक्स ऑफिस को धड़ाम धड़ाम मार रही है अभी ये फिल्म, आई थिंक ऑल ऑफ अस आर जस्ट शॉक्ड. एंड ऑल्सो ये हमने एक एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि पहला पार्ट ही इतना बढ़िया था, देन द सेकेंड पार्ट वॉज जस्ट यू नो अनदर लेवल. और मैं तो फैन हूँ राजामौली की, प्रभास की, अनुष्का, यू नो राणा. आई थिंक द होल विजन ऑफ द फिल्म इस वी लिव ऑन दिस. आई थिंक एज एक्टर्स, एज यू नो मूवी गोअर्स, हम इस पे स्ट्राइव करते हैं. ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, आप एक तरह से कह सकते हैं. तो जिस तरह की इंस्पिरेशन हमको मिली है आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म, और जो नंबर्स आए हैं इस फिल्म की, जिस तरह से कंट्री ने रिएक्ट किया, थर्ड वीक पे भी इतना, यू नो इट्स डूइंग सो वेल. आई थिंक इट्स जस्ट हम आई थिंक क्यों ले सकते हैं इसमें से कि हम भी ऐसे कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो, अगर अगर आपके पास विजन है, देन यू कैन अचीव दिस. सो आई थिंक मैंने नया वर्ड कॉइन किया है बाहुबली के लिए. लोग कहते हैं ब्लॉक बस्टर, आई थिंक दिस इज अ रॉक बस्टर, बिकॉज इट्स गोइंग रॉक स्टेडी एट द बॉक्स ऑफिस एंड इट्स रॉकिंग एवरीबॉडीज लाइफ. हु कैन इन बॉलीवुड कैन अचीव दैट काइंड ऑफ फिल्म? हु कैन इन बॉलीवुड डायरेक्टर? आई डोंट थिंक ऐसे आप कोई, आई थिंक यू जस्ट हैव टू हैव द विजन, यू नो. एंड आई बिलीव कि हमारे सारे डायरेक्टर्स दे हैव द विजन एंड दे हैव द वॉन्ट. आई थिंक चाह होनी चाहिए टू मेक अ फिल्म लाइक दिस. एवरी फिल्म कैन नॉट बी अ बाहुबली, वी ऑल नो दैट, क्योंकि सब फिल्म की टोन अलग होती है. पर अगर ये टोन चाहो और ये एक स्केल चाहो और एक कैनवस चाहो तो हो सकता है. प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल.